बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का सब हरिद्वार में दिख रहा है। चंडी देवी मंदिर के पास हुए भूस्खलन की चपेट में चार दुकानें आ गई। पहाड़ों पर तेज बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया गया है, लेकिन अब असर हरिद्वार में दिखने लगा है। और चंडी देवी मंदिर के पास जो भूस्खलन हुआ उसके बाद चार दुकानें इसकी चपेट में आ गई। पहाड़ों पर तेज बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी उफान पर हैं और इसका साइड इफेक्ट हरिद्वार पर दिख रहा है। आप देखिए तस्वीरें, और नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया गया है। तो तस्वीर केदारनाथ की दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में जिस तरीके से सैलाब बढ़ा है, मंदाकिनी और अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा है, उसका असर हरिद्वार में भी दिखना शुरू हो गया है। और चंडी देवी मंदिर के पास भूस्खलन में चार दुकानें चपेट में आ गई हैं। और बड़ी खबर पाकिस्तान से भी है। बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान की आवाम, सतलुज नदी ने पूर्वी पंजाब में तबाही मचा दी है। अब तक 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बहावलपुर कसूर में सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। तो हालात पंजाब में भी बिगड़ चुके हैं और सतलुज नदी ने पूर्वी पंजाब में तबाही मचा दी है। अब तक 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है। खासतौर से अगर हम इलाकों की बात करें तो बहावलपुर और कसूर में सबसे ज्यादा बाढ़ का असर देखा जा रहा है। बाढ़ और बारिश के बाद सतलुज नदी उफान पर है और पूर्वी पंजाब में तबाही का तांडव शुरू हो गया है। कुदरत के कहर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ग्रीस के जंगलों में लगी आग अब तेजी से फैल रही है। तो यानी कहीं बाढ़ है, कहीं बारिश है, तो कहीं पर आग की मुश्किल है। और ग्रीस में आग से नियंत्रण अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि आग की लपटे जंगलों और घरों को तबाह कर रही हैं। ये देखिए ग्रीस की तस्वीर है जहां पर भीषण आग जंगलों में लग गई है और इसकी जो दस्तक है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। 20 लोगों की जान जा चुकी है। 200 से ज़्यादा फायर फाइटर, सेना और पुलिस के जो जवान हैं वो हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं। आप देखिए किस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आग है जंगल की वो फैलते फैलते रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। तेरस की ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ग्रीस के जो जंगल हैं वो जल रहे हैं, लेकिन जंगल की जो आग है ये फैलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्रीस की, जहां पर जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और इसकी दस्तक अब रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।